19वां प्रश्न है, द्वंद योग द्वारा वर्ग कीजिए, संख्या हमें मिली है 4312। तो इससे अभिप्राय क्या हो गया, वर्ग करने से अभिप्राय हो गया कि हमें 4312 को 4312 से गुणा करना है। तो हमें 4312 को गुणा करना है 4312 से। तो द्वंद योग विधि के लिए हम यहाँ समूह बनाएंगे। तो हम समूह बनाते हैं क्योंकि यहाँ चार संख्याएं हमें मिली हैं, इसलिए यहाँ सात समूह बनेंगे। पहला समूह हो गया पहले अंक का, दोनों में पहला अंक चार है, तो पहला समूह हो गया चार चार का। अब हम दो अंक लेंगे, प्रत्येक संख्या के दो अंक लिए, चार तीन दोनों में है, एक समूह हो गया 43 का। अगला समूह क्या हो जाएगा, चार तीन एक, तीन अंक लेंगे तो समूह हो जाएगा 431 का, तीन अंकों का समूह हो जाएगा। अब हम चारों अंकों का समूह लगाएंगे तो हमारा चौथा समूह हो जाएगा जिसमें चारों अंक होंगे 4312 और 4312। अब हम अंतिम तीन अंक लेंगे तो 312 का समूह बनेगा, 312 यहाँ हमें अंक लेने हैं, तो इस समूह में अंक आएंगे 312। अगले समूह में हमें अंतिम दो अंक लेने हैं अर्थात 12, अंतिम दो अंकों का समूह होगा 12, और अंत में हमें अंतिम अंक का लेना है 22। अब हम इनका त्रियक गुणा करेंगे, तो पहले समूह में चार चार लिखा है, चार को हमने चार से गुणा किया, चार को चार से गुणा किया अर्थात पहले समूह में हमने प्राप्त किया चार का स्क्वायर। दूसरे समूह में हम त्रियक गुणा करेंगे तो चार तीन से होगा, तीन चार से होगा, मान कितना हो गया 4 × 3, ये गुणा दो बार हुआ है। अगले समूह में चार एक से गुणा होगा, एक चार से होगा और तीन तीन से होगा, त्रियक गुणा में मान कितना हो जाएगा 4 × 1, ये दो बार गुणा हुआ है, प्लस 3 का स्क्वायर। अगला समूह देखते हैं, यहाँ त्रियक गुणा 4 तो 2 से होगा, 2 4 से होगा, 3 1 से होगा, 1 3 से होगा, अर्थात गुणा किस प्रकार हुआ, अर्थात ये गुणा हुआ है 4 × 2, ये दो बार हुआ है, तो 4 × 2 × 2 प्लस 3 × 1, ये भी दो बार हुआ है, तो 3 × 1 × 2। अगला समूह देखते हैं, ये 3 का है तो 3 2 से गुणा होगा, 2 3 से होगा और 1 1 से होगा, तो मान कितना हो जाएगा इस समूह का 3 × 2, क्योंकि ये दो बार गुणा हो रहा है, इसको 2 से गुणा और करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 × 1 अर्थात 1 का स्क्वायर। अगला समूह लेते हैं, 1 2 से हुआ और 2 1 से हुआ, अर्थात 1 × 2, दो बार गुणा हो रहा है तो इसको 2 से और गुणा कर देंगे, और अंतिम समूह में 2 2 से गुणा हो रहा है तो मान कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। दूसरा समूह मान कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 अर्थात 24। अगले समूह का मान हो जाएगा 17। उससे अगले समूह का देखते हैं, मान कैलकुलेट किया तो मान आता है 22। मान कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 2 अर्थात प्लस 3 × 1 × 2, मान हो गया 22। अगले समूह का मान कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 2, 3 × 2 = 6 × 12, 12 × 1 = 13, तो मान हो गया 13। अगले समूह का मान हो गया 1 × 2 × 2 = 4, और अंतिम समूह का 2 का स्क्वायर मान हो गया 4। तो इस प्रकार जो हमने मान प्राप्त किए हैं वो हैं, जो पहला समूह है उसका मान है 16, दूसरे समूह का है 24, तीसरे का है 17, चौथे का है 22, पांचवें का है 13, छठे का है 4 और सातवें समूह का मान है 4। अब हम अभिष्ट वर्ग ज्ञात करने के लिए हम अंतिम अर्थात जो सातवां समूह है उससे अंकों को क्रम अनुसार लिखेंगे, और प्रत्येक समूह में से हमें
एक अंक चुनना है, एक अंक लेना है, इकाई का अंक लेना है, दहाई के अंक को हम उससे पहले वाले समूह में ट्रांसफर कर देंगे, पहले वाले समूह में ले जाएंगे, उससे पहले वाले समूह में जोड़ देंगे। तो हमारा अंतिम समूह क्या है? अंतिम समूह हमारा है चार। हम अंतिम समूह देखते हैं कि हमारा अंतिम समूह है चार, और यहाँ इसलिए हमारा अंतिम समूह में मान आ गया चार, ये हमने नीचे उतार लिया। अब जो हम देखते हैं कि उससे पहला वाला समूह क्या है, वो समूह है चार, तो वो भी इकाई का एक ही अंक है, तो उसमें भी हमने एक ही अंक उतार लिया। अब इससे पहला वाला समूह देखते हैं, उसमें मान है तेरह, उसमें मान क्या है, मान है तेरह, ये दो अंकों का है, तो हमें एक अंक लेना है, हमने तीन तो ले लिया, और जो एक है ये एक है, इसे हमने पहले वाले समूह में ले जाके जोड़ दिया, तो 22 में हमने इसको जोड़ दिया, इस एक को हम इससे पहले वाले समूह में ले गए, 22 में हमने जोड़ दिया, मान हो गया 23, तो इकाई का अंक तीन बन जाएगा, तो तीन तो इकाई का अंक बन गया, और जो दो बचा वो हमने पहले वाले समूह में, उससे पहले वाले समूह में ले गए, तो 17 है यहाँ पर, तो 17 और 2 19 हो गया, तो हमने 9 तो उतार लिया, और पुनः एक बचा, जो एक बचा ये वाला एक, इस एक को हम पुनः उससे पहले वाले में ले गए, तो ये 24 है यहाँ पर, उसमें 24 में एक जोड़ दिया, मान हो गया 25, तो पुनः अब एक अंक बच गया 2, तो इस 2 को हम सबसे पहले वाले समूह में ले गए, 16 में ले गए, 16 और 2 मान हो गया 18। इस प्रकार हमने जो अभिष्ट वर्ग है वो ज्ञात कर लिया, अभिष्ट वर्ग हमारा हो गया 1 8 5 9 3 3 4 4, ये हमारा अभिष्ट वर्ग हमने प्राप्त कर लिया, जो दो संख्याओं का हमारा अभिष्ट वर्ग है वो है 1 8 5 9 3 3 4 4। प्रश्न 20 है, द्वंद योग द्वारा वर्ग कीजिए, संख्या हमें मिली है 2456, तो हमें यहाँ 2456 का वर्ग करना है, अर्थात 2456 को 2456 से गुणा करना है, तो हमें 2456 को गुणा करना है 2456 से। अब ये क्रिया हम किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हम संख्या के अंक समूह बनाते हैं, तो यहाँ संख्या में चार अंक हैं, यहाँ संख्या में चार अंक हैं, तो 7 समूह बनेंगे। पहला समूह हमारा हो गया पहले अंकों का, अब हमने 2 अंक ले लिए, पहले 2 अंकों का समूह बना लिया, फिर हम 3 अंक ले लेंगे प्रत्येक संख्या के, तो 3 3 के समूह बन जाएंगे, अब हम चारों अंक ले लेंगे, तो 4 अंकों का समूह बन जाएगा, अब हम पिछले से 3 अंक लेंगे, अर्थात 4 5 6 और 4 5 6, ये समूह बन गया, अब हमने 56 का एक समूह बना लिया, और अंतिम समूह होगा अंतिम अंक का 6 का, तो इस प्रकार हमने पहले अंक के समूह बनाए, फिर पहले 2 अंकों के समूह बनाए, फिर पहले 3 अंकों के बनाए, फिर 4 अंकों के बनाए, फिर हमने अंतिम 3 के बनाए, फिर हमने अंतिम 2 अंकों के समूह बनाए, और फिर हमने अंतिम अंक का समूह बनाया, और हमने 7 समूह प्राप्त कर लिए। अब हम यहाँ तिर्यक गुणन करेंगे और द्वंद्व योग ज्ञात करेंगे, तो इनका द्वंद्व योग के अनुसार अब हम द्वंद्व योग ज्ञात करते हैं, तो पहले समूह में हम देखते हैं कि 2 2 से गुणा होगा, 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर, दूसरे समूह में 2 4 से गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा, और 4 2 से गुणा होगा, अर्थात मान हो गया 2 × 4 × 2। तीसरे समूह में 2 5 से होगा, 5 2 से होगा, और 4 4 से होगा, तो गुणनफल क्या हो गया, 2 × 5 × 2 + 4 का स्क्वायर। अगले समूह में 2 6 से गुणा होगा, 4 2 से होगा, 4 5 से होगा, और 5 4 से होगा, अर्थात मान कितना हो गया,
इंटू छः, ये दो बार गुणा हुआ तो दो इंटू छः गुणा दो, प्लस करके चार गुणा पाँच, ये भी दो बार गुणा हुआ है तो प्लस करके हमने लिख लिया चार गुणा पाँच गुणा दो। अगला समूह देखते हैं, यहाँ तीन का है तो चार छः से गुणा होगा, त्रियक गुणा छः चार से होगा और पाँच पाँच से होगा, अर्थात मान कितना हो जाएगा चार गुणा छः, ये दो बार हुआ है तो गुणा दो, प्लस पाँच का स्क्वायर, पाँच पाँच का स्क्वायर। अगले समूह में ये दो का जोड़ा है, दो का समूह है तो पाँच छः से गुणा हुआ और छः पाँच से हुआ, तो मान कितना हो जाएगा छः गुणा पाँच, ये दो बार हुआ है, छः गुणा पाँच गुणा दो इसका मान हो जाएगा। और अंतिम समूह में छः छः से गुणा हो रहा है तो इसका मान हो जाएगा छः गुणा छः, अर्थात छः का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो दो के स्क्वायर का मान कितना हो गया, दो के स्क्वायर का मान हो गया चार। दूसरे समूह का देखते हैं, मान हो गया सोलह। तीसरे समूह का देखते हैं, दो गुणा पाँच गुणा दो प्लस चार का स्क्वायर, मान हो गया छत्तीस। अगले समूह का, अगले समूह में मान कितना हो जाएगा, दो गुणा छः गुणा दो प्लस चार गुणा पाँच गुणा दो, मान हो गया चौंसठ। अगले समूह में मान कितना हो जाएगा, चार गुणा छः गुणा दो प्लस पाँच का स्क्वायर, मान हो गया तिहत्तर, 73। अगले समूह का देखते हैं, अगले समूह में छः गुणा पाँच तीस और तीस गुणा दो अर्थात साठ, और अंतिम समूह में छः का स्क्वायर अर्थात छत्तीस। तो हमने प्रत्येक समूह का मान ज्ञात कर लिया। अब हम जो वर्ग है उसका मान ज्ञात करते हैं, तो हमें प्रत्येक में से हमें एक अंक लेना है। तो 36 में हम देखते हैं इकाई का अंक है 6, तो 6 हमने ले लिया और जो शेष अंक बचा 3 उसे 60 में जोड़ दिया तो 63 हो गया। मान 3 ले लिया, 6 दूसरे पक्ष में चला गया, 73 और 6, 73 प्लस 6 हो गया 79, तो 9 हमने ले लिया, 7 दूसरे पक्ष में चला जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 64 में हमने 7 को जोड़ दिया, 64 और 7 मान हो गया 71। एक तो हमने यहां लिख लिया और सात जो है वो 36 में जुड़ जाएगा, तो सात हमने 36 में जोड़ दिया, 36 और सात, 36 प्लस सात हो गए 43। तो तीन तो हम नीचे ले लेंगे, ये हमारे वर्ग का मान हो जाएगा तीन, और जो चार है वो हम दूसरे पक्ष में, इससे पहले वाले पक्ष में अर्थात 16 में चार को जोड़ देंगे, तो 16 और चार 20, मान 0 हमने नीचे उतार लिया और 2 दूसरे पक्ष में ले गए, तो 4 और 2 6, 4 प्लस 2 अर्थात 6। तो हमने अभिष्ट वर्ग ज्ञात कर लिया। इस प्रकार हमने द्वंद्व योग द्वारा अभिष्ट वर्ग ज्ञात कर लिया, 6031936, ये हमारा अभिष्ट मान है, 6031936।